नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज रविवार को जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन खोखरा में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा प्रदर्शनी एवं स्टॉल लगाया गया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। इस प्रदर्शनी में राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं को बहुत ही आकर्षक एवं सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रदर्शित किया गया। आम नागरिकों ने इसकी भूरी भूरी सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में पौने पांच वर्षाएं के दौरान आम नागरिकों के जीवन में काफी बदलाव आया है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लोगों का जीवन स्तर सुधरा है और लोग सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं के जरिए आम जनता का दिल जीत लिया है। आज भरोसे के सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जिलेवासियों को 467,32,92,000 रुपए के कुल 1,043 विकास कार्यों की सौगात दिए। इनमें 87,24,21,000 रुपए से अधिक के 192 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 379,78,71,000 से अधिक रुपए के 851 विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल हैं। भरोसे के सम्मेलन के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री रविंद्र चौबे, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, आबकारी मंत्री श्री कवासी, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत, उच्च शिक्षा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल, कोरबा सांसद बेरोजगारी का मजाक उड़ाने का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मजाक उड़ाने का, और वो बार बार ये कहते हैं कि मोदी ने सब कुछ देश में लाइट नहीं दे मैंने लगा दिया। क्या मोदी आने के बाद रायपुर में लाइट लगी? क्या छत्तीसगढ़ में लाइट आई? अब बोलिए, स्कूल मोदी आने के बाद खुल गए क्या? उसके पहले नहीं थे स्कूल? अरे मोदी जो पढ़े, शाहजी जो पढ़े, ये सब हमारे स्कूल में ही पढ़े। मैं तो क्या कहा है, लंदन जाके पढ़े क्या? ऑक्सफर्ड स्कूल में जाके पढ़ जाए? अरे हमारे सरकारी स्कूल में ही पढ़े। क्या नहीं है तो हमारे को जो स्कूल निकालते